हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोस्नाज होम। आज हम आपके सामने एक डिजर्ट की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही फेमस और कॉमन है और उसका नाम है रसगुल्ला। रसगुल्ला किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद आता है और ज्यादातर लोग इसे बाहर खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर पे इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बता दूं कि मिठाइयों में जो सबसे आसानी से बनती है ये उनमें से एक है। एक बार आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके घर पे जरूर बनाइए, ये बहुत ही अच्छा स्पंजी और लाजवाब बनेगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए रेसिपी पे चलते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर मिल्क। इसका सबसे पहले हम छेना बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे और इसका छेना बनाएंगे। दूध को बॉईल करने के लिए हमने स्टील का बर्तन लिया है। एक बार ये बॉईल हो जाए फिर हम इसमें विनेगर डाल के इसका छेना बनाएंगे। ये हमारा दूध ऑलमोस्ट बॉईल होने वाला है। इस टाइम पे इसे कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि इसमें मलाई नहीं आने देना है। ये हमारा दूध बॉयल हो गया है, अब हम इसमें ये विनेगर डालेंगे। हमने 3 स्पून विनेगर लिया है और 1/2 कप वाटर। हम ये सारा एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये हमारा छेना बन के रेडी है, आप देख सकते हैं पानी एकदम अलग हो गया है। इसे हम छान के अलग कर लेंगे। छेना का पानी अलग करने के लिए हमने एक बर्तन लिया है और उसमें ये छन्ना डाला है और उसके ऊपर ये कॉटन कपड़ा डालेंगे। ये छन्ना आप नहीं भी डाल सकते हैं, ये डालने से थोड़ा इजी होता है निकालना। इसको हम इसे साइड में रखते हैं। ये छेना का पानी हमने अलग कर लिया है। ये छेना का पानी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ वाइज, इसमें काफी प्रोटीन होता है। इसे आप आटा गूंथने में या सब्जी वब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं या राइस बनाने में भी। तो हमने इसे अलग निकाल के रखा है। अब हम इस छेना को अच्छे से वॉश करेंगे ताकि विनेगर का टेस्ट निकल जाए। अगर आप विनेगर या नींबू कुछ भी यूज करते हैं तो उसका खट्टापन निकल जाएगा धोने से। इसका हम अच्छे से पानी निकाल लेंगे। ये हमारा छेना रेडी है, इसे हम 4-5 मिनट तक अच्छे से मल लेंगे। आप किसी बर्तन में भी अच्छे से मल सकते हैं, मैंने किचन काउंटर पे ही कर लिया है। ये हमने छेना को अच्छे से मल लिया है, आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। अगर 5 मिनट से ज्यादा भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे अच्छे से मलना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। ये एकदम सॉफ्ट है, इसमें दाना नहीं होना चाहिए। छेना बनाते समय आपको दिखेगा कि वो दानेदार है, आप एक बार अच्छे से मल लीजिए फिर आपको एकदम सॉफ्ट दिखेगा, दानेदार नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने अच्छे से मल लिया है। अब हम पहले चाशनी बना लेते हैं फिर हम इसे गोल गोल बनाएंगे। इसे हम एक साइड ढक के रख देते हैं।
ये हमने छेना को ढक के रख दिया है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बड़ा बर्तन लिया है ताकि रसगुल्ला को ज्यादा स्पेस मिले फूलने के लिए। चाशनी बनाने के लिए हमने एक कप शुगर लिया है, हमने व्हाइट शुगर लिया है। रसगुल्ला बनाने के लिए व्हाइट शुगर ही यूज कीजिए आप। और इसमें 4 कप पानी डालेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे बॉयल होने देंगे। हमने चाशनी बनाने के लिए बड़ा बर्तन लिया है। अगर बड़ा बर्तन लेंगे तभी रसगुल्ला को स्पेस मिलता है फूलने के लिए और अच्छा स्पंजी बनता है। तो ट्राई कीजिए कि बड़ा बर्तन ले। जब तक चाशनी रेडी हो रहा है तब तक हम रसगुल्ला का शेप बना लेते हैं। इसे गोला गोला कर लेते हैं। इसको हम एक साइज में करने के लिए इस तरह से लंबा करके फिर हम कट कर लेंगे ताकि रसगुल्ला एक साइज का बनेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये हमारा रसगुल्ला का शेप बन के रेडी है। इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। ये हमारा रसगुल्ला का शेप बन के रेडी है और हमारा चाशनी भी इधर बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें ये रसगुल्ला डालेंगे। इसे हम 5 मिनट तक हाई हीट पर बॉयल होने देंगे और इसे अच्छे से ढक देंगे। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं ये रसगुल्ला कितना अच्छा बना है, कितना बड़ा बड़ा फूला है। इसीलिए मैंने कहा था बड़ा बर्तन लेने के लिए। बड़ा बर्तन लेने से स्पेस इसे अच्छे से मिलता है और ये अच्छे से फूलता है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा फूला है। अब हम इसे मीडियम हाई पे 5 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे। इसे हम 5 मिनट और ढक के रखेंगे। तो ये हमारा 5 मिनट हो गया है और अब रसगुल्ला का साइज देखिए, डबल हो गया है। और मैं तो ये कहूं कि ये तो डबल से भी बड़ा लग रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डालेंगे। रोज वाटर से रसगुल्ले का खुशबू बहुत अच्छा आता है। अराउंड हाफ स्पून हम इसमें डालेंगे। अब इसे मीडियम हीट पे 7-8 मिनट और बॉयल होने देंगे और इस बार इसे ढकना नहीं है। तो ये हमारा रसगुल्ला बन के रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रसगुल्ला बना है और कितना बड़ा बड़ा बना है, कितना अच्छे से फूला है ये एकदम स्पंजी। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, फिर सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो ये हमारा रसगुल्ला बनके रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है, कितना बड़ा बड़ा हुआ है ये एकदम फूल के। हमने छोटा छोटा ही गोला किया था और ये फूल के इतना बड़ा हो गया है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है चाशनी बनाते टाइम कि आपको 1 कप शुगर में 4 कप वाटर लेना है। अगर आपने बड़ा बर्तन लिया है तो आप उसी हिसाब से 1.5 कप शुगर लीजिए और 6 कप पानी, या 2 कप शुगर और 8 कप पानी, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये ध्यान रखिए कि 1 कप शुगर में 4 कप वाटर लेना है। आप बर्तन के हिसाब से चाशनी बना लीजिए। ये ध्यान रखिए कि उसमें रसगुल्ला डूबा हुआ होना चाहिए तो वो अच्छे से फूलता है। तो चलिए हम आपको एक दिखा रहे हैं कि ये कितना अच्छा बना है, कितना स्पंजी बना है ये। देख सकते हैं तो इस तरह से ये बहुत ही स्पंजी बना है। तो हम आपको एक खाकर भी दिखा रहे हैं।
ये बहुत ही टेस्टी बना है, इतना लाजवाब बना है कि हम आपको बता नहीं सकते, इतना अच्छा बना है ये रसगुल्ला। आप चाहे तो इसे फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं या फिर वार्म भी खा सकते हैं। मुझे तो वार्म ही अच्छा लगता है, तो हम फ्रिज में नहीं डालते, ऐसे ही खाते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आपने देखा कि रसगुल्ला बनाना कितना आसान है और कितना कम इंग्रेडिएंट्स लगता है रसगुल्ला बनाने के लिए। ओनली मिल्क, शुगर और विनेगर, दैट्स इट। और रोज वाटर आपको मन है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, दैट्स इट। तो इसमें बस 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं रसगुल्ला बनाने में और बहुत ही आसानी से इजिली बन जाता है रसगुल्ला। तो आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और एक बार बनाकर देखिए कि ये कैसा बनता है, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा और कैसा बना। तो हमारे इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।